पता नहीं तू वही सपना बार बार कैसे देख लेती, मुझसे तो जब भी मेरे भी दूसरी बार नहीं देखी गई। ये कैसा सपना हुआ? माधव माधव, कितना ओल्ड फैशन नाम है, और ऐसे कैसे चिल्लाती है, नाम ऐसे लेते हैं सपने में? अच्छा तो फिर आप ही बता दीजिए कि सपने में नाम कैसे लिया जाता है। वॉच द एक्सपर्ट, देख। माधव माधव, ओ मैरी, प्लीज बुईमा, मुझे 5600 बुईमा नहीं देखनी, और वैसे भी मैं 4 दिन के लिए जा रही हूँ ना, फिर आप करती रहना। आलोकनाथ 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 मेरी बाहर बेटा, देखती रहे अपने सांप वाला सब। प्लीज प्लीज बुईमा, ये वो नाम आप मेरे सामने मत लेना प्लीज। किसका नाम? अरे वो जो ऐसे ऐसे चलता है ना उसका, वो सांप। क्या बुईमा, मैंने आपको अभी भी बोला ना उसका नाम नहीं लेने के लिए, अब भी ना, प्लीज। I just hate those creatures. अच्छा उठ जा, मुझे सोने दो ना, मेरी कौन सी ट्रेन छूटने वाली है? ओह नो, 8 बजे की सीतापुर की ट्रेन है मेरी। वाओ, I am superb. क्या टॉपिक चल रहा है मेरे डॉक्यूमेंट्री का? देव रक्षिका। इंडिया में सिर्फ 2 ऐसी जगह है जहाँ ये ट्रेडिशन फॉलो होता है, एक कहीं साउथ में है और दूसरी सीतापुर। कहते हैं कि वहां की रॉयल फैमिली पर एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना कर्स है, श्राप, गरुड़ मंदिर। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि सीतापुर में अभी भी लाइव देव रक्षिका है। हाउ कूल इज दैट, है ना? अरे सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ जवाब तो दो। वहां जब तुझे ऐसे सपने आएंगे तो कौन संभालेगा तुझे? 4 साल की थी जब भैया भाभी तुझे मेरे गोद में छोड़कर चले गए थे हमेशा के लिए, मुझे क्या पता था कि मुसीबत मेरे गले पड़ने वाली। जब आपको पता चल गया था तो फिर फेंक क्यों नहीं दिया? आओ, ऐसा नहीं कहते, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तू मिली। आ, क्या हुआ? मेरे पैर सो गया। हाँ, इतनी बोरिंग बातें कर रही थी तो किसने किसी को तो सोना ही था, सिंपल। सुन, तेरा जाना जरूरी है क्या? क्यों, मेरे पीछे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आरती नहीं करनी है क्या? ऐसी आरती करे मेरी जूती। अरे बुईमा, इस उम्र में भी आरती हो जाना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत समझना। चला। अरे ओके कूल, बाय बाय। हे भगवान, इस बेवकूफ लड़की की रक्षा करना। हाँ स्मृति, श्रीधर आ गया। हाँ श्रीधर कौन है? कलीग है बुईमा, बॉयफ्रेंड नहीं है। सच? हाँ, ठीक है, काम कर, तू मेरी लाइफ की सिचुएशन ना बुईमा को समझा दे कि मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है यार, कुछ भी नहीं है, रोमांस नथिंग यार। 2 महीने के लिए ना करण जोर मेरी लाइफ डायरेक्ट कर दे, सब कुछ आ जाएगा। स्विट्जरलैंड जैसे ऑसम लोकेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक, शादी, विदाई एंड व्हाट नॉट। बुईमा यार, विदाई का नाम सुनकर ना बुईमा इमोशनल हो गई। अच्छा तू ना फोन स्पीकर में डाल। हाँ। बुईमा प्लीज मत रोइए ना। अच्छा सुनिए, मैंने ना आपके लिए एक पोइम लिखा है। कभी हेलो तो कभी हाय, इतनी सीधी जैसे गाय, वो हर बात पे रोती रहती है। माँ मेरी निरूपा रॉय है। आजकल श्रीदेवी मम्मी बन रही है, उससे मिलाती सीधा निरूपा रॉय। शी इज राइट। ये कौन? श्रीधर, मैंने बताया तो था कि 3 लोग जा रहे हैं। हाँ, पर तूने ये नहीं बताया था कि उन 3ों में से एक लड़का भी है। आंटी आप परेशान मत होइए, राधिका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, शी इज नॉट माय टाइप। तू कहाँ का रणबीर कपूर है? हाँ, जो तुझे मेरी राधिका पसंद नहीं है। तो आप चाहती हैं कि मैं उसे पसंद करूँ? करके तो देख, तेरी टांगे ना तोड़ दी ना। तो क्या करूँ? तू फोन रख ओके बाय, डन, खत्म। चलो मैं निकलती हूँ, बाय।
अरे मुझे देर हो रही है। अरे बुई माँ प्लीज। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और शेषनाग उनकी शैया। वैसे तो गरुड़ और नाग सदियों से दुश्मन रहे हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में आकर दोनों साथ रहते हैं। वाहन मीन्स व्हीकल, शैया मीन्स ओहो मीन्स रहने दे तो। बस इतना याद रखना कि इसे कभी अपने से अलग मत करना, ये तुझे हर मुसीबत से बचाएगा। बाय बुई माँ, मैं चलती हूँ। अरे बेटा पहुंचते ही फोन करना और सुन अपना ख्याल रखना। यस बुई माँ, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। बाय। स्मॉल पिज्जा भी कोई पिज्जा होता है? साइज डज मैटर, पिज्जा बड़ा ही होना चाहिए। मैडम ये ट्रेन ना हमें 1940s में ले आई है, एंड आई डोंट थिंक सो कि 1940s में लोग पिज्जा डिलीवरी करते होंगे। यार मेरा तो यहाँ आते ही पिज्जा खाने का मन कर रहा है, सीरियसली। तुझे पिज्जा ही खाना था तो इटली की डॉक्यूमेंट्री प्लान करते यार। चल अब लेट्स कॉल अ कैब। कैब कैब हाँ कैब। एंड हाँ प्लीज यार वो ड्राइवर का लाइसेंस चेक कर लेना, पता नहीं कैसे कैसे ड्राइवर्स होंगे यहाँ पर। ड्राइवर भैया इन्हें प्लीज अपना लाइसेंस दिखा दीजिए, वो क्या है ना इन्हें बहुत फिक्र हो रही है। हो गया तुम लोग का? आप लोग गरुड़ पूर्णिमा के लिए आए हैं, मंदिर ही जाएंगे। ये सीतापुर शहर है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहाँ के राज परिवार के ऊपर जो श्राप है उसके बारे में कुछ डिटेल्स पता है आपको? सदियों पहले किसी ने श्राप दिया था और उस श्राप से राज परिवार की रक्षा के लिए देव रक्षिका ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। ये सब कुछ हमें पता है, कुछ ऐसी बात बताइए जो हमें पता ना हो। ये देखिए दाहिनी तरफ अपने मैमिष्य का जंगल है, यहाँ शाम के समय नो एंट्री, वेरी वेरी डेंजरस। कौन सी आवाज? अरे जो जंगल से आई थी वो आवाज। देख ऐसे डरा मत तू प्लीज। अरे कान बज रहे होंगे तेरे। ओ फोन बज रहा है, उठाओ, सेक्रेटरी नहीं हूँ तुम्हारी। रुक बेटा रुक। क्या हुआ भैया, टांगा क्यों रोक दिया? अरे सर जी ब्रेक हुआ है, ब्रेक उका है कि घोड़ा दाना खाएगा। खिला दो दाना। आइए सर ठंडा गरम। नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए। लगता है इस गांव में आप लोग नए आए हैं। हाँ भाई साहब आज ही आए हैं। स्केरी सी जगह है यार।
हॉन्टेड टाइप फीलिंग नहीं आ रही है? फीलिंग तब आएगी जब नेटवर्क आएगा। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं और मुझे बुईमा को फोन करना है। यार फिर भी यार, पूरा जंगल है। हेलो हेलो नो हेलो बुईमा। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि हम हेलो 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 बुईमा, हम लोग ना अभी, अरे यार ये वॉइस फिर से क्रैक हो गई। आ गया। हेलो हेलो बुईमा, अभी आ रही है मेरी आवाज? या तो मैं क्या कह रही थी, हेलो 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 बुईमा, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले इश्क सच्चा वही, जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। दिखने में इतनी बेवकूफ लगती नहीं हो जितनी हो। और तुम भी दिखने में इतने बदतमीज नहीं दिखते जितने हो।
क्या कर रही है यहाँ पे? थांगे वाले का ब्रेकओवर हो चुका है, चले अभी गांव ही पहुंचना है। या एक मिनट, सर आपके लिए घर से फोन था। पता नहीं क्रिश सर किस मिट्टी के बने हैं, इस मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में भी ऐसे नहाते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं। रॉक कॉन्सर्ट टाइप क्राउड है यार, पर अंदर कैसे जाएंगे यार? तुम यहाँ दर्शन करने आए हो या डॉक्यूमेंट्री बनाने? कैमरा निकालो, शूट करो। पर हमें अंदर जाना ही हो, गरुड़ पूर्णिमा एक बहुत बड़ा ओकेजन है, एंड इफ वी गेट लकी तो हम देव रक्षिका देव सेना को भी शूट कर सकते। लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? हाँ, जैसे लास्ट वीक के रॉक कॉन्सर्ट में गए थे, वीआईपी एंट्रेंस से। फॉलो मी। Yes.